एयरलिफ्ट के लिए पहली बार अक्षय कुमार ने अपनी फीस संबंधी नीति बदली और नतीजे सकारात्मक रहे। बॉलीवुड के तीनों कान फिल्म में काम करने के बदले बहुत कम फीस लेते हैं और मुनाफे में हिस्सा लेते हैं। दूसरी ओर अक्षय कुमार अब तक तगड़ी फीस लेकर काम करते आए, यही वजह रही कि बेबी जैसी फिल्म से भी घाटा हुआ। ब्रदर्स और सिंगिस ब्लिंग भी नहीं चली। एयरलिफ्ट के लिए उन्होंने रणनीति बदली और मात्र 8 करोड़ रुपए की फीस लेकर फिल्म पूरी कर ली। मुनाफे में अक्षय की 70% की भागीदारी है। फिल्म अब तक 64.5 करोड़ का मुनाफा कमा चुकी है और अक्षय का हिस्सा लगभग 45 करोड़ होता है। इस तरह से अक्षय ने अब तक 53 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा लिया है।